नमस्कार, मैं हूं सरस सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं जफराबाद विधानसभा के अहमदपुर के हरगोविंद इंटर कॉलेज के मैदान में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी के संजीव कुमार उपाध्याय जी। उन्हीं से बात करेंगे, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं संजीव कुमार उपाध्याय जी। उन्हीं से बात करेंगे, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? नमस्कार, मैं संजीव कुमार उपाध्याय, जफराबाद विधानसभा का। मैं इस समय जो है मैदान में हूँ। क्या तैयारियां हैं आपकी 2022 में? 2022 के लिए हमारी पूरी हर तक प्रयास है, चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए, और जनता के बीच हम जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जनता हमसे जो अपेक्षाएं रखती है उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बात करें तो जगह जगह आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है हमको। हाँ, बस ये है जो हमारे पूर्व में और जो बाकी विधायक लोग जो काम किए हैं उसका कुछ खामियाजा हमको भी मिल रहा है, जनता हमसे भी कुछ रुष्ट नहीं, लेकिन मनाना पड़ रहा है कि भाई आप हम पे विश्वास जताइए, मैं कार्य करूँगा। अगर बात करें तो राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी अभी तो मात्र 2 सीटों पर लड़ रही है। कौन कौन? जौनपुर सदर और जफराबाद विधानसभा से लड़ रही है। बाकी भविष्य में हम और सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बात करें कि आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने जफराबाद विधानसभा को कोई किस लिए चुना, कोई स्पेसिफिक कारण? सर, मैं जौनपुर सदर हमारा होम टाउन है, जफराबाद उससे सटा हुआ है, और मैं जफराबाद के तमाम क्षेत्रों में टहला, घूमा, कसगांव वगैरह है वहाँ पर सड़कें वगैरह की समस्याएँ देखी, जफराबाद विधानसभा में खुद जगह जगह देखा, रोड नहीं है, लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे जफराबाद में जाना चाहिए, जफराबाद चुनाव लड़ के जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और जनता को जो भी सुविधाएं हैं वो दिलवाया जाए, मुहैया कराया जाए। अगर बात करें कि जफराबाद विधानसभा में जगह जगह आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहाँ से लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है? भाई, अब हम तो देख रहे हैं जिस रोड से जाया जा रहा है वहाँ रोड पता चला नाली की नाली पूरी बही हुई है, टूटी पड़ी हुई है नालियाँ, सड़कें एकदम पूरी टूटी हुई हैं, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर सड़कें हैं ही नहीं, तो इसी से हमको पता लग रहा है विकास कोई है ही नहीं। विकास कोई नहीं हुआ है। अगर जनता, जफराबाद की जनता आपको क्यों चुने, दो कारण बताएं। भाई, अगर जफराबाद की जनता हमको चुनती है, मैं उसको सारी सुविधाएँ दूँगा, सड़कें दूँगा, और सबसे पहली बात तो पूर्व विधायक ने हमारे यहाँ जो है कोई कार्य किया नहीं है, तो इसलिए जनता को चाहिए, नया युवा प्रत्याशी हैं हम, और चुनना चाहिए। और रही बात कारण की, तो जनता खुद देख रही है। अगर बात करें युवा प्रत्याशी की, तो बता दें कि जफराबाद विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह सोनू भी छात्र नेता से शुरुआत कर जफराबाद विधानसभा से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनका आपके में बीच क्या समझ में आ रहा है? अब उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है, वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि बात तो है कि वो भी युवा है, आप भी युवा हैं। युवा हैं भाई, हो सकता है वो किसी के कहने पे चुनाव लड़ रहे हों, या किसी अन्य के साथ जो है देने के लिए चुनाव लड़ रहे हों, हम तो भाई अपने पार्टी से लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी है वो मात्र जनता के हित के लिए कार्य करेगी, जो भी कार्य है और जनता के लिए किया जाएगा, और हम जनता के द्वारा चुने जाएंगे, इसलिए हम उसके लिए कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी से संजीव कुमार उपाध्याय जी, जिनका साफ साफ कहना है कि वो भी विधायकी की दौड़ में थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहे हैं अभी, ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि संजीव कुमार उपाध्याय विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होंगे। मैं सरस सिंह, जौनपुर।